नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन में। उत्तर प्रदेश में आतंकियों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है और रोजाना नए आतंकी मिल रहे हैं। पूरे एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं किस तरह से एक बार फिर उत्तर प्रदेश एटीएस ने अलकायदा के 3 और आतंकियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया। बड़े धमाकों की साजिश में शामिल थे। बता दूँ आपको, उत्तर प्रदेश आतंकी निरोधी दस्ता के राजधानी लखनऊ से 2 आतंकियों की गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को 3 और गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं और आज भी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में लखनऊ के ही रहने वाले शकील मोहम्मद मुस्तकीन और मोहम्मद मईद के नाम सामने आने के बाद उन्हें पकड़ा गया है। बता दूँ आपको, उत्तर प्रदेश आतंक निरोधी दस्ता यानी UPATS ने रविवार को राजधानी लखनऊ से आतंकी संगठन अलकायदा समर्थित अंसार गजवातिल हिंद मॉड्यूल के 2 आतंकी मिनहाज अहमद और उसके बाद मसीरुद्दीन उर्फ मुसीर को गिरफ्तार करने के बाद आज 3 और आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। आतंकी मिनहाज को पिस्टल मुहैया कराने व उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश में तीनों की सक्रिय भूमिका सामने आई है। पुलिस रिमांड के दौरान दोनों से पूछताछ में लखनऊ के ही रहने वाले शकील मोहम्मद मुस्तकीन और मोहम्मद मईद के नाम सामने आए हैं। इनको हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए ATS मुख्यालय बुलाया गया। इस दौरान तीनों ने स्वीकार कर लिया कि वे आतंकी साजिश में शामिल थे। इसके बाद तीनों को ATS ने गिरफ्तार कर लिया। यानी कि सोचिए कि आपके बगल रहने वाला ये विशेष धर्म के लोग कहीं ना कहीं आतंकवादी भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये लखनऊ के ही निवासी हैं और उसके बाद काफ़ी समय से लखनऊ में रह भी रहे हैं और काफ़ी समय से आतंकियों के साथ शामिल भी हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा धमाका होने से बच गया है। यहाँ पर योगी सरकार की कहीं ना कहीं तारीफ करने की बात होगी कि योगी की ATS ने जिस तरह से आज ये कार्रवाई की है, ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। बता दूं आपको, रविवार को अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों मिनहाज अहमद और मसूरुद्दीन लखनऊ से दबोचे गए। उसके बाद ATS ने इनके 3 और साथी शकील मोहम्मद मुस्तकीन और मोहम्मद मईद को भी लखनऊ से गिरफ्तार किया है। शकील लखनऊ के बांस मंडी इलाके का रहने वाला है। मोहम्मद मई लखनऊ के ही न्यू हैदरगंज कैंपल रोड का निवासी है। वही मोहम्मद मुस्तकीन मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और लखनऊ में सीतापुर रोड स्थित मदेहगंज में रह रहा है। ATS शकील की तलाश पहले की जा रही थी। वो 11 जुलाई को आतंकियों के विरुद्ध ATS के लखनऊ थाने में दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपी है। मिनहाज के अन्य मददगारों की तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी भी की गई है। बता दूं, अब तक की छानबीन में सामने आया है कि मुख्य साजिशकर्ता मिनहाज ही है। वो लखनऊ में रहकर अंसार गजवातुल हिंद मॉड्यूल का विस्तार देने में जुटा था। वाराणसी में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले इन गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। हर संदिग्ध पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं। ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित बांस मंडी निवासी शकील, सीतापुर रोड स्थित तकिया तरन शाह, मदेहगंज निवासी मोहम्मद मुस्तकीम व न्यू हैदरगंज कैंपल वल रोड निवासी मोहम्मद मुईद को गिरफ्तार किया गया है। मूल रूप से मुजफ्फरनगर के ग्राम मंडी का निवासी मुस्तकीम ठेके पर मकान बनाने का काम करता है और करीब 10 वर्षों से लखनऊ में रह रहा है। मुस्तकीम पहले मसूरुद्दीन के संपर्क में था और फिर उसका परिचय मिनहाज से हुआ था। मुस्तकीम ने करीब चार माह पहले मसूरुद्दीन के भाई का मकान बनाने का ठेका भी लिया था। इसी बीच मिनहाज ने मुस्तकीम के से एक असलाह खरीदने की बात की थी। मुस्तकीम ने निर्माण सामग्री में सप्लाई करने वाले मुईद के जरिए मिनहाज को पिस्टल उपलब्ध कराई थी। शकील बांस मंडी में सैफ अहमद के मकान में रह रहा था। उसका घर लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में है, जनता नगरी जगत नारायण रोड पर है। बता दूं, ADG कानून प्रशांत व्यवस्था का प्रशांत कुमार के अनुसार मिनहाज व मसूरुद्दीन के इरादे को उनको तीनों सहयोगियों को पता था। तीनों अंसार गजवातिल हिंद मॉड्यूल से भी जुड़ चुके हैं।
एटीएस तीनों से और जानकारियां हासिल करने का प्रयास कर रही है। तीनों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि शकील एटीएस थाने में दर्ज मुकदमे का नामजद आरोपी है। मिन्हाज को असलाह दिलाने में उसकी सबसे सक्रिय भूमिका थी। उस पर अन्य आरोप भी हैं। मुस्तकीम की पूरे षड्यंत्र की जानकारी थी और वह मिन्हाज व मसरुद्दीन के लगातार संपर्क में था। मुईद की अन्य आरोपी भी संलिप्तता सामने आई है। बता दें कि दुर्दांत आतंकी संगठन अलकायदा उत्तर प्रदेश को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश रच रहा था। आतंकी मंसूबे स्वतंत्रता दिवस से पहले कई शहरों में धमाके करना चाहते थे। इतना ही नहीं, अयोध्या मथुरा व काशी में भी आतंकी घटनाओं का षड्यंत्र था। एटीएस ने मुस्तैदी से इस बड़ी साजिश को नाकाम किया। रविवार को आतंकी संगठन अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े दो आतंकियों मिन्हाज अहमद व मसीरुद्दीन लखनऊ से गिरफ्तार किए गए हैं। उस दौरान उनके दो साथी भाग निकले थे। अब एटीएस इनसे जुड़े अन्य आतंकियों को बेनकाब कर रही है। उत्तर प्रदेश के कई युवक अलकायदा के इस मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं और उनके बारे में भी छानबीन की जा रही है। कई युवकों का मानव बम बनाए जाने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद आईबी समेत अन्य खुफिया एजेंसियां और अधिक सक्रिय हो गई हैं। एटीएस ने कानपुर समेत कई शहरों में छापे मारे हैं और संदिग्धों को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है। सीमा भी सील कर दी गई है। सूत्रों का कहना है आतंकियों के निशाने पर भाजपा नेता भी थे। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में आतंकी साजिश के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां कई बिंदुओं पर छानबीन कर रही हैं। ये भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं उत्तर प्रदेश में बड़े नेताओं को निशाना बनाने का कोई कुचक्र तो नहीं रचा जा चुका है। आतंकी मिन्हाज का घर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर से कुछ दूरी पर ही है। 40,000 रुपये में खरीदी गई थी पिस्टल। बता दूं, मिन्हाज ने 40,000 रुपये में पिस्टल खरीदी थी, जिसमें शकील की भी भूमिका अहम थी। एटीएस अधिकारियों का कहना है कि हालांकि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि पिस्टल कहां से और किसने खरीदी थी, इस बिंदु पर आगे की छानबीन चल रही है। जैसे ही पता चलता है कि उन्होंने पिस्टल वगैरह कहां से खरीदी, उसके बाद ये कौन सा बहुत बड़ा जिहादी कांड करने वाले थे, उससे पहले तो हमारे सुरक्षा बलों को पता लग गया। लेकिन अभी भी कई ऐसे आतंकी हैं जो अंडरग्राउंड हैं, जो छिपे हुए हैं, उनको भी तलाशने का काम शुरू हो चुका है। यानी कि लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी आतंकी एक्टिव हैं या फिर छिपे बैठे हैं, अब वो बचने वाले नहीं हैं। क्योंकि भारतीय सेना की भारतीय जो हमारे जवान हैं या फिर जो खुफिया एजेंसी हैं, वो कहीं ना कहीं इन मामलों को बहुत अच्छे से जानती हैं, समझती हैं। जब वो घाटी में अपना पराक्रम दिखा सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी सी जगह है लखनऊ उत्तर प्रदेश, तो इसीलिए यहाँ पर पकड़ना बहुत आसानी है। लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत भी है और स्थिति स्पष्ट है कि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं और बड़े बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं अगर अभी से ही इन्हें ना रोका जाता तो आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता और स्वतंत्रता दिवस के दिन शायद कुछ बड़ा कांड ये लोग करने वाले थे और शायद उस दिन कुछ बड़ा कांड हो भी जाता। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और योगी की पुलिस जो ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, इस पर आपकी क्या राय है वो भी आप ज़रूर मेंशन कीजिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, खासतौर पे जो लोग लखनऊ में रह रहे हैं और ख़ासतौर पे इन इलाकों में रह रहे हैं जिन इलाकों का हमने आपके सामने नाम लिया है। तो आप एक एक बार ज़रूर बताइए कि जो वहाँ पर रह रहे हों उनको थोड़ा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा ये घटनाएँ हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से ये साजिश सामने आ रही, बीजेपी नेताओं को टारगेट बनाया जा रहा और पब्लिक जगह पर बड़ा विस्फोट करने के विचार किए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको काम करना होगा। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।